इस कंप्यूटर अच्छा <coughs> बूस्टर एप क्या चीज है कि बूस्टर एप के अंदर <coughs> बेसिकली जब हम आईटीएमएल सीएसएस करते थे और जीएस जीएस तो अभी मैंने की नहीं है तो सीएसएस का जो फ्रेम वर्क है वो बूस्टर एप पे <coughs> देखो सीएसएस फ्रेम वर्क आईटीएमएल सीएसएस जीएस इन तीनों से मिलके बूस्टर बनाई गई है ताकि ये रिस्पॉन्सिव हो ठीक है और ठीक <coughs> है <coughs> ये देखो बूस्ट है CSS, स्केल्टन काफी है, लेकिन हम किस पे काम करने लगे हैं बूस्ट जो टॉप है ये आई टी एम एल सी एस एस से मिलके बनी हुई है और ये बेसिकली क्या करती है इसका पहले हिसाब से पहले तो मुझे इसका फोल्डर बनाने दो जिस पे हमने काम करना है पूछता मैं फोर करूंगा फाइव को नहीं करना मैंने ठीक है बूस्टर फोर ऑनलाइन अच्छा ये हमारी आगे बूस्ट है फिर इसको पहले मैं फाइल बना लेता हूं इसकी ये आ गया इसको लाइव सर्वर पे भी चला लेते हैं हम उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या करना है हमने इस पे करते हैं ठीक हो गया अब क्या करना है हमने सबसे पहले राजा अब इस ये चीज मिस ना करना साथ साथ ये बूस वाला ठीक है सर जोक मर्जी हो जाए ना ये मिस नहीं करना फर्स्ट, ठीक हो गया जी अब चलते हैं आगे <coughs> बूस्टर फोर क्या है कि पहली बात हो है है और दूसरी जो क्या है इसके अंदर क्लासेस यूज हुई हैं और कंपोनेंट यूज हुए हैं मैं बूस्टर फोर को निकालता हूँ ठीक है इसके दो चीजें हैं दो कौन कौन सी हैं? एक चीज है जो बेसिक आप डाउनलोड करो यहाँ से ठीक है ये वाली डाउनलोड वाला ऑप्शन है और इसके बाद जो इसकी फाइल है उससे क्या होता है कि सिस्टम स्लो हो जाता है थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं होता लेकिन काफी हद तक स्लो हो जाता है ठीक <coughs> है तो मैं क्या करता मैं लाइव लिंक लगाऊंगा इसके अब बूस्टर फोर और बूस्टर फाइव में क्या है कि बूस्टर फाइव के अंदर जे एस है, है और जे -स -स फोर के अंदर जे -की उड़ी हुई है ठीक है ये जे हुई है अगर मैं बूस्ट फाइव की बात करूं तो इसके अंदर क्या यूज हुआ है इसके अंदर जे यूज हुई होगी ये देख लो जे एस ठीक है जी फिर कहता हूं कि बूस्ट क्या है कि ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पे होगी वैसे मैं सिंपल बूस्ट फोर लिखता हूं बूस्ट फोर जी ठीक है <coughs> ये किसने बनाई है ट्विटर वालों ने इसका मेन काम क्या है कि ये हर चीज आपको रिस्पॉन्सिव देगी मैं यहाँ से बूस फोर का टेम्पलेट निकाल लेता हूँ फोर टेम्पलेट फ्री डाउनलोड फ्री में से निकालता हूँ अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये देखो जैसे ये एक है। ये ये इसको निकाल लेता हूं मैं ये वाला अब इससे क्या होगा कि हर चीज आपको बिल्ट इन बनी बनाई मिल जाएगी एंड पे मैं कोई एक थीम ले लूंगा पूरे का पूरा वो ही डिजाइन करूंगा फिर आपको आइडिया होगा कि प्रॉपर एक बूस्ट से वेबसाइट कैसे बनती है सेम जैसे ये है सैम वैसी की वैसे मैंने वो ही बना देनी है ठीक हो गया और जो भी देखे और ये देखो हर चीज उसकी रिस्पॉन्सिव है और यहाँ पे अगर मैं आई टी एम एल का निकाल लू आई टी एम एल एंड सी एस एस फ्री टी एंड टेम्पलेट वेब डिजाइन फ्री आई टी एम एल अब इनके टेम्पलेट में और उसके टेम्पलेट में आपको फर्क वाजिया ये हो जाएगा कि इसके और उसके टेम्पलेट में कितना डिफरेंस है <laughs> ये ये HTML पे बना हुआ है और ये Bootstrap पे बना इसकी सफाई चेक करो और इसकी चेक करो अगर मैं बोलूं ना मार्केट मार्केट HTML CSS की है बहुत लोग ये नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए क्या होता है कि आप Bootstrap पे मूव हो जाओ तो इजी वे है फ्रेंडली यूजर है कि आप कोई भी क्लास यूज करो और उसके अंदर सीएसएस यूज करो और सी मतलब ये भी कह सकते हो टैग भी हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं और सीएसएस <coughs> लेकिन सीएसएस का फ्रेमवर्क का तो जाहिर ही बात है उसकी प्रॉपर्टीज यूज होंगी <coughs> इसको भी मैं बंद कर देता हूँ आप सारे को तो मैं बात करता हूँ अब पोस्ट एफ4 की तो सबसे पहले क्या करना है मैंने सीएसएस का लिंक लगाऊंगा ऑनलाइन यूज करनी है तो ऑनलाइन में सबसे पहले यहाँ पे मैं यह कमेंट करके बूस्ट्रेप फोर सी एस एस ठीक है उसके बाद फिर कमेंट बूस्ट्रेप फोर सॉरी फोर जे क्यूरी। जे क्यूरी।, जे क्यूरी जे क्यूरी का लिंक हमारे पास कौन सा है ये वाला इसके अंदर मैं ऑनलाइन भी करवा दूंगा लेकिन ऑनलाइन का फायदा नहीं होता उसे बेहतर होता है आप पैकेज करवा लो। ठीक <laughs> है एक बार पूरी साइट का ओवरव्यू ले लेता हूँ क्या कहती है इसके अंदर यूज क्या क्या हो रहे हैं और क्यों नहीं हो रहे ठीक है <laughs> <laughs> तो उसके बाद अब ये है इसका लेआउट है इस चीज को मैं नहीं अभी देखूंगा ये लेआउट है लेआउट को चेक कर लें कि ये जैसे कंटेनर और जब आप अब सबसे पहले इस लेआउट को देखूंगा अब गौर से देखना कि एक आई और एक बूस्ट्रेप में बूस्ट्रेप में फर्क कितना है ठीक है <coughs> एक आई और एक बूस्ट्रेप के अंदर फर्क कितना है मैं एक सिंपल डिव लेता हूं, क्लास लेता हूं और इसके अंदर मैं लेता हूं हेड ये किसकी आवाज आ रही है आवाज किसका है माइक ऑफ हरी रजा किसका है बंद करो हेड <coughs> है तो हेड के बाद क्या आएगा एच वन तो ये एच वन क्या करूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा ठीक है अब जब मैं इसके ऊपर गया तो अब आपको मैं बताता हूं ये आ गया. है? और जब ये कोट रिक्स दूसरा मैं लिखता हूं डिव क्लास पहले इसको देख लो अब देखो अगर मैं सिंपल इसके अंदर अगर ITML इसके अंदर स्टाइलिंग करता हूँ देखना आप ये स्टाइल है अब मैं इसके अंदर एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये आ गया सेंटर उसके बाद इसका बैकग्राउंड है तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लिखूंगा तो रेड कर दूंगा ये ये सेंटर है ठीक है उसके बाद तीसरी चीज मैं आपको इसके अंदर बताऊं तो यहाँ पे मैं जाता हूं अगर मैं इसको दू मार्जिन ज्यादा मार्जिन ही कम मार्जिन दू तो मैं मार्जिन टॉप करता हूं टेन पिक्सल ये देखो थोड़ा सा नीचे आ गया अब यही काम मैं बूस्टेप के अंदर करता हूँ तो बूस्टैप मुझे क्या करता है कि मैं डिव अब ये था एच का पार्ट तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख रहा हूँ एच टी एम एल एंड इन लाइन सी एस एस पार्ट इन लाइन In line, CSS और जब मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे मैं करता हूँ बूट स्ट्रैप का तो यहाँ पे मैं जब आया तो इसके अंदर मैं ये करने लगा हूं कि एक डिव ले लिया उस डिव में दे दिया क्लास और एक चीज और अगर यहां से मैं साइडों से मार्जिन दू अब मैं यहाँ पे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट ट्वेंटी पिक्सल ये देखो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्वेंटी तो नहीं चाहिए मुझे फिफ्टी करके देखते हैं फिफ्टी भी नहीं चाहिए हंड्रेड ठीक है और यहाँ पे भी मैं जाता हूँ मार्जिन ये आपको समझाने के लिए कर लो कि इसके अंदर भी मैं हंड्रेड पिक्सल कर देता हूँ अब देखो दोनों साइडों से, से मार्जिन सेम आ गया अब देखो कि एक आई के अंदर कितनी प्रॉपर्टी यूज हुई एक दो तीन चार और पांच यही है यही काम जब मैं इसके अंदर करने लगा तो मैं यूज करने लगा कंटेनर और इस कंटेनर ने क्या किया कि बाय डिफॉल्ट मार्जिन सेट कर दिया अब देखना क्या है तो एच वन लिखता हूं इसके अंदर मैं लिखता हूं कोड ट्रिक्स सुफियान ठीक है अब इसके अंदर देखो तो अब इसके अंदर देखो उसने बाय डिफॉल्ट दे दिया इसी के अंदर मैं अब यूज करता हूं क्लास तो मैं देख रहा हूँ टेक्स्ट सेंटर सेंटर आ गया और साथ ही मैंने आगे दे दिया बीजी डेंजर ये एक सिंपल आपको ओवरव्यू दे रहा हूं अभी प्रॉपर ये एक्सप्लेनेशन नहीं है बूस्ट क्या है प्रॉपर ये ग्रिड सिस्टम है और ग्रिड सिस्टम को कैसे करूंगा वो बाद में ओवरव्यू है अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि इन दोनों में फर्क क्या है काफी चीजों में अभी मैं आपको फर्क दिखाऊंगा फिर उसके बाद में ओवरव्यू दूंगा कि अब वो स्टैप ऐसे होगी फिर आपको पता चलेगा कि बूस्टैप क्या चीज है अब ये देखो ये और ये इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया कि एक को ट्रिक्स को मैंने अगर यहाँ पे मैंने इस लेवल पे लेके आना है तो मैं क्या करूंगा कि ये यहाँ पे मुझे चाहिए होगा तकरीबन एटी के लगभग अब एटी भी ज्यादा है 70. नहीं नाइनटी ठीक है

80, 85. फाइव अब लेवल आ गया अब देखो अब इसकी प्रॉपर्टी देख लो इसकी क्लासेस देख लो और इसकी देख लो सिर्फ एक क्लास अब मैं यहाँ पे कंटेनर में जाके मार्जिन वाई वहां पे ये एम मार्जिन और वाई एक्सिस यहाँ पे मैं करने लगा हूं थ्री अब देखना देखो कितना गैप हो गया अब ये चीज चेक करो कि एक HTML ने क्या किया और एक बूस्ट की क्लास ने क्या किया ये फर्क होता है प्रॉपर अगर देखा जाए तो ठीक है आगे चलता है इसी तरह कंटेनर फ्लड है यह क्या है फुल वेट ले लेता है यहाँ पे यहाँ पे मैं अगर लगाऊ ना एंड यूआईडी फ्रंट देखो ये देखा दोनों साइडूस उसने कितनी स्पेस छोड़ दी और अगर बगैर मैं कंटेनर के लगाऊं तो उसने पूरी विड्थ ले लेनी है अगर मैं इस पूरे को खत्म कर देता हूं तो देखना आप अब।, अब उसने बिल्कुल और जब मैं कंटेनर फ्लैग लगाया उसने साइडूस से बिल्कुल थोड़ी सी जगह छोड़ दी और जब कंटेनर लगाया तो उसने दोनों साइडों से मार्जिन लेवल काट दिया और मुझे इसके अंदर सीएसएस की ये फर्क है बूटस्ट्रैप में और एचटीएमएल सीएसएस के अंदर ठीक है रजा समझ आ रही है हां रजा यस सर यस सर इजी वे आ रही है इजी है ना ये बूटस्ट्रैप से एचटीएमएल से बहुत इजी है ठीक है उसके बाद ये ग्रिड सिस्टम आ रहा है ये ग्रिड डस आ रहा ये मैं आपको करवाता हूँ अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो उसके बाद कंटेंट है कंटेंट सारा ये उन्हें दिया हुआ है इसको उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट यूज हो रहे हैं जैसे वहां पे आप बटन यूज करते थे यहाँ पे बटन है इस यहाँ पे कंपोनेंट है बटन एक कंपोनेंट है कार्ड एक कंपोनेंट है ड्रॉप ड्रॉप डाउन एक कंपोनेंट है नैब बार एक कंपोनेंट है वहां पे बार एक प्रॉपर्टी के अंदर आती थी सी एस एस में ये है लेकिन क्लासेस के अंदर नैब बार एक प्रॉपर्टी होगी ये फर्क है अभी कोई ये कदर उठा लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ से ना ये मॉडल को उठाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि एक व्यू कैसे जैसे ये है ये आया ना मैं इसको उठा इसको इसी को उठा लेता हूँ जैसे ये उठाया मैं नीचे गया हूं ये टीवी किस चीज का लग गया ये देखो ये है इसके अंदर मैं जो भी कंटेंट लिखूं मुझे वो शो करवाएगा देखा ये होता है मॉडल से पॉपअप अप मैसेज बोलते हैं ठीक है ये जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट करता है लेकिन ये बात की बात है अभी इसको हम नहीं देखते ये भी हमारा आपके लिए जरूरी है कंपैरिजन ठीक है जी आगे चलते हैं उसके बाद अब आता हूं मैं ग्रिड सिस्टम याद रखना कि एक रो के अंदर ऑरिजेंटल में बारह कॉलम होते हैं और वर्टिकल में आप लातादात लिख सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं होती इसको हम बोलते हैं सिस्टम यह मैं कम कम तीन लेक्चर दूंगा बस ज्यादा ज्यादा नहीं एक मैं फुल वेबसाइट बना दूंगा एक सिंपल हो जाएगी और उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट को एक महीना देंगे ठीक है क्योंकि वो जरूरी है बहुत उसके बगैर तो बस है आगे उसके बाद ग्रेस सिस्टम आ गया अब सबसे पहले एक डिव ले लेता हूँ यहाँ पे मैं कॉलम ले लेता हूँ सॉरी क्लास क्लास यहाँ पे आ गई कॉलम वन यहाँ पे वन तो मैं इसी को करता हूँ कॉपी यहाँ पूरे को ठीक है अब देखते जाओ के होता क्या है दो तीन चार कितने हैं? तीन नौ, नौ और तीन बारह ठीक है ऐसे ठीक है आपको तरतीब से पता चल जाएगा अच्छा एक यहाँ पे मैं कर दूंगा दो यहाँ पे तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह देखो अगर मजीद करना चाहो तो देख लेना आगे क्या होता है आप आ जाएंगे यारह बारह दस ग्यारह बारह तो बारह यहाँ पे आ गया तेरह यहाँ पे आगे चौदह यहाँ पे आगे पंद्रह अब वर्टिकल में आगे पंद्रह आप मैं कह रहा ना कि हजारों लिख सकते हो आपकी अपनी मर्जी है जब इसको मैं ऑरिजेंटल में करूंगा तो मैं क्या करूंगा कि यहां पे मैं एक लगाऊंगा डेव बूस्टर आपको हमेशा रो एंड क्लास के जरिए काम करते हैं तो रो एंड कॉलम के जरिए सॉरी ये रो है मैं इस पूरे को उठाता हूं ये यहाँ पे हॉल्ट करके इसके अंदर ले जाता हूं अब चेक करता हूँ देखो एक रो के अंदर मैंने बताया था बारह से ज्यादा कालम नहीं आते नीचे तेरह चौदह पंद्रह वो वहीं के वहीं रह गए अब आपको ना आइडिया है कि एक रो के अंदर हमेशा बारह कालम आते हैं और वर्टिकल में तो हजारो आ जाते हैं तो मैं क्या करूंगा तेरह से पंद्रह तक कर दूंगा कैंसल अब उसके बाद मुझे इसके अंदर स्पेसिंग भी चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके कर दूंगा एक कंटेनर क्लास कंटेनर आ गया इस डिव को उठाऊंगा पूरे को रो वाले किस्मांस में कंटेनर के अंदर में फेंक दूंगा इसको अब ये देखो ये दोनों साइडों से मार्जिन आ गया तो इसको एम टी को मैं एम वाई दूंगा फाइव फाइव से ऊपर आप नहीं कर सकते अगर मार्जिन पैडिंग एक्स्ट्रा करनी है तो फिर एक्सटर्नल सी एस एस यूज कर लो आप ठीक है अब इसके अंदर क्या करना है कलर तो मैं यहाँ पे लगाने लगाऊप फोर कलर न तो अब एक चीज और देखो कि मैं अभी आपको दिखाता हूं ये यहाँ पे यहाँ पे कलर क्या आ रहा है टेक्स्ट सेकेंडरी आप इसमें रेड येलो ठीक है ये नहीं यूज कर सकते ठीक है पीला नीला कुछ भी नहीं सिर्फ आपने ये क्या करना है प्राइमरी बूस्ट के अपने कलर है सेकेंडरी सक्सेस डेंजर वार्निंग इनफो लाइट डार्क लिमिटेड और बूस्ट एप फाइव के अंदर का, कलर उन्होंने ज्यादा कर दिए ये देखना अभी और बूस्ट एप के अंदर कलर्स थोड़े से ज्यादा ना कर ये चेक करो ये डिफरेंस आ गया लेकिन आपको अगर कलर चाहिए हो तो आप क्या करो एक्सटर्नल सी एस एस कर लो तो अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे जाता हूँ इस कॉलम के आगे अब ये एक चीज और यहाँ पे देखो तो ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं मेरे अभी ये रिस्पॉन्सिव उसने तो लेकिन रिस्पॉन्सिव नहीं है ये देखो लिए प्रॉपर ग्रिड इस्तेमाल करना पड़ेगा लेकिन वो बाद में अभी नहीं हम इसको देखते अभी हम सिर्फ इसको स्ट्रक्चर को समझते हैं उसके बाद यहाँ पे गया जिस टाइम मैं आई के अंदर सी ये बैकग्राउंड कलर देता था तो मैं पूरा बैकग्राउंड कलर लिखता था और रेड आगे कलर का नाम लिख देता था यहाँ पे मैं लिखने लगा हूं ये इसके आगे मैं लिखता हूँ बीजी बैकग्राउंड कलर हाइफन इसको बोलते हैं जो मन फी का निशान है तो मैं कलर दे देता हूं तो कंट्रोल एस करूंगा, ये सेव करूंगा देखो आ गया ठीक है ये आ गया उसके बाद क्या करूंगा फिर नीचे गया फिर बीजी वार्निंग वार्निंग अब इसी तरह मैं कलर का नाम लिखता जाता हूँ फिर बताता हूँ वार्निंग के बाद आ जाता है इन्फो फिर आ जाता है बीजी सक्सेस फिर आ जाता है बीजी प्राइमरी पी आर आई एम ए आर वाई प्राइमरी फिर आ जाता है बीजी एन डी ए आर वाई सेकेंडरी ठीक है फिर आ जाता है बीजी और कौन सा था हमारे पास रह गया डेंजर डॉर्क लाइट भी है बस यही चलाते हैं ये यही कलर है जो मैन इसके चलने वाले हैं इन्फो बीजी प्राइमरी ये कैमरा बंद करो यार रजा कैमरा बंद कर दे अपना रजा। बीजी उसके बाद ए कितना कौन सा है प्राइमरी तो यहाँ पे मैं गया बीजी तो कौन सा था अभी हमारे पास प्राइमरी तो मैं यहाँ पे करने लगा वार्निंग बीजी सेकेंडरी बीजी इन्फो ये आके कलर ठीक है अब उसके बाद हमने क्या करना होता है कि इनमें से सारे कलर्स को आप क्या करो के मर्ज कर दो कालम को अब मर्ज कैसे करते हैं कि जैसे एक ये है यहाँ पे अगर मैं दो कालम कर दू तो देखो दो कालम अगठे हो जाएंगे तो टोटल हो जाएंगे तेरह तो एक कालम नीचे आ जाएगा देखो दो ये आगे तीन चार पाँच छ और यहाँ तक आगे बारह और नीचे आगे आ एक तेरह अगर मैं चाहता हूं कि चार वाला कालम और पांच वाला अगर ठा हो जाए ये तीन कालम गठे हो जाएंगे तो फिर कितने कालम हो जाएंगे मेरे पास दो और बाकी तीन नीचे आ जाएंगे तो चार से मैं जाके करता हूं यहाँ पे तीन कालम इकट्ठे कर देता हूं देखो नीचे तीन आ गए बारह और तीन पंद्रह अब मैं कहूँ कि सात आठ नौ का अगर कर दूं तो मैं यहाँ पे जाके इस तीन को अगट्ठा कर देता हूँ तो ये तीन कॉलम मेरे पास आ गए अगटे ठीक है जी ये है जी एक ग्रिड सिस्टम जिसमें आप कॉलम को कैसे मर्ज कर सकते हो अपने आप को जैसे चाहो वैसे आप बना सकते हो तो अब आपने क्या करना है कि एक यही डिव लेना है हर कॉलम को एक कॉलम के अंदर मर्ज करना है जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना कॉलम वन बी जी के आगे इन्फो ये चीज ऐसे आपने एक बॉक्स बनाना और उस बॉक्स को इसके अंदर मर्ज करना है ठीक है और प्रॉपर एक ग्रिड सिस्टम बना के लेके आना है हर कॉलम के अंदर एक एक कॉलम होना चाहिए और ये मैं चेक करूंगा ये हो गया तो प्रॉपर मैं एक भेजूंगा आपको पिक्चर आपने वो चीज बनानी है स्ट्रैप से यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो बता दो ठीक है सर क्लियर है